झांसी जिले में एक बार फिर से चोरों के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं। मऊरानीपुर के ग्राम चरकना में चोरों ने हाथ की सफाई दिखाते हुए लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। गर्मी के मौसम में घर के बाहर सोना एक परिवार को भारी पड़ गया। मऊरानीपुर के चरकना गांव में श्याम करण अपने परिवार के साथ खुले में सोया हुआ था। सुबह 4 बजे करीब जब उसकी पत्नी सोकर उठी तो देखा कि सारा सामान घर में बिखरा पड़ा है, कुछ आंगन में और कुछ घर के कमरों में। अंदर अलमारी और सूटकेस के ताले टूटे पड़े थे, कपड़े बिखरे हुए थे। चोर जिस सूटकेस के ताले नहीं तोड़ पाए उन्हें वह अपने साथ लेकर चले गए, जो गांव के बाहर सुबह खेत में बिखरे मिले। पीड़ित ने थाना कटेरा में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित के अनुसार घर में जो कीमती सामान था वो सब चोरी हो गया है, जिसमें 6 तोला सोना, 1 किलो चांदी और 50,000 रुपए नकद चोरी हुए हैं। इसके बाद में वो एक हमारी बहू आई, कल सिद्ध बाबा ने कथा बचने थी सोमवार को, तो वो कई के बाद खुले डरी तो देखो, फिर वो लोग बागा को जगा, छत पे से उतरी हमारी बहू, देखो तो यहाँ पर बकस नहीं थे। वो बोल गया सो कहा लोग बागों ने, मतलब हल्ला हो गया गांव में, गांव के आदमी जुड़े तो सब लोग लाइट वाइटें लेके सो कहा एक तलैया है पूरब की दिशा में, वहाँ मकान से पूरब की दिशा में, वहाँ पर दोनों बकस टूटे रहे और सब जीवा वहाँ से निकाल ले गए, जो कुछ तुम उन बक्सों में था वो सब ले गए, वहीं पर बकस पड़े। इसकी जानकारी आप लोगों को कितने बजे लगी? ये जानकारी हमको लगी 3 बजे रात में और 1-1.5-2 बजे की घटना है जी। जब आपके यहाँ चोरी हुई तो आप लोग कहाँ थे उस समय? हम तो बेड़ा में पड़े थे भैसन के पास में, और सब लोग हमारे बच्चा बहू घर, मतलब बहू दुकड़िया और नाती सब ऊपर छत के ऊपर पड़े थे, और दरवाजे होके कहे जिस प्रकार से घुसे हों के बारे में बात तोड़ ताड़ के, मतलब हुआ उमता के और घुस गए तो कहे कम 2-3 बगस और हर एक जेब में से कहे जितने कमी टंगे थे कपड़ा और में दरवाजे में, वो सब उसमें से एक एक पैसा निकाल ले गए, एक पैसा नहीं बचा है। और बक्सों में था कहे का मैं 6 तोला सोना, 1 किलो चांदी और 50,000 रुपया नकद थी। इतना जी मतलब चोरी हमारी हो गई। न्यूज़ बीके के लिए मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।